हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात आती है कि परसेंटेज किसे कहते हैं। परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला पर और दूसरा सेंट। पर मीन्स होता है आउट ऑफ और सेंट मीन्स होता है 100, यानी कि कोई भी वैल्यू 100 का कितना भाग है यही होता है परसेंटेज। जैसे 5/100, 4/100, 6/100, यही होता है परसेंटेज। ठीक, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए उसके साथ 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, और कोई भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए उसके साथ 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए उसके साथ 1/100 की भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 25% दिया है, हाँ, इसको भिन्न में चेंज करना है तो कैसे करेंगे आप लोग? तो 25 के साथ अगर 1/100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत में भिन्न में बदल जाएगा। जैसे 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4, ये हो गया इसका भिन्न रूप। अगर मान लीजिए कोई भिन्न दिया है 1/4 और इसको प्रतिशत में चेंज करना है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे? 1/4 के साथ अगर 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रतिशत में चेंज। 4 एकम 4, 4% 100, यानी कि 25% इसका आंसर हो गया। ठीक, मैं कुछ प्रतिशत का इम्पॉर्टेंट वैल्यू को लिख रहा हूँ जो आपको सवाल लगाते समय हेल्प करेंगे। लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू ऑफ परसेंटेज। पहला है 1/2 का वैल्यू होता है 50%, 1/3 का वैल्यू होता है 33/1/3%, 1/4 का वैल्यू होता है 25%, 1/5 का वैल्यू होता है 20%, 1/6 का वैल्यू होता है 16/2/3%, और 1/7 का वैल्यू होता है 14/2/7%, 1/8 का वैल्यू होता है 12/1/2%, 1/10 का वैल्यू होता है 10%, देख लीजिए 1/10 का वैल्यू होता है 10%, 1/11 का वैल्यू होता है 9/1/11%, और 1/12 का वैल्यू होता है 8/1/3%, और 3/8 का वैल्यू होता है 37/1/2%, और 4/7 का वैल्यू होता है 57/1/7%, यही वैल्यू होता है। और एक चीज और बताने वाला हूँ मैं। अब मान लीजिए 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 2 का 50% कितना होगा, तो 2 का 50% हमेशा ऊपर वाली संख्या ही होता है। कोई भी वैल्यू ले लें, हम प्रूफ भी देख लीजिए, 2 का 50%, तो 2 गुणे 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 1 हो गया। यानी कि किसी का भी अगर 2 का 50% कितना होता है कोई पूछे तो हमेशा ऊपर वाली ही संख्या होगी। मान लीजिए 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। अगर आपसे कोई पूछे 4 का 25% कितना होता है, तो 4 गुणे 25 तो 4 गुणे 25% की वैल्यू कितना होती है 1/4, तो 4 से 4 कट जाए, कितना होगा 1, यानी कि हमेशा ऊपर वाली संख्या होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि इतना का इतना प्रतिशत कितना होगा, तो हमेशा उसके ऊपर वाली संख्या ही आंसर आएगा। ठीक, तो इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। इसको हल करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कहीं संख्या नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर दिया है कि उसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 16 सही 2/3% को जोड़ा जा रहा है। तो 16 सही 2/3% का वैल्यू कितना होता है, 1/6। इसमें कोई संख्या दिया नहीं, तो संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम संख्या को अगर 6 मान लें, अगर संख्या क्या रही होती, 6 रही होती, तो 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है, हमेशा ऊपर वाली संख्या। तो ऊपर वाली संख्या क्या है, 1 है, तो 1। हाँ, अगर संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 7 नहीं प्राप्त होता है, 7700 प्राप्त होता है। 7 का वैल्यू क्या दिया है, 7700, कितना के मल्टीपल पे, 1100 के मल्टीपल पे। तो ये क्वेश्चन भी 1100 के मल्टीपल पे हो जाएगी, 6600, यही आपका आंसर है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है कि 1100 कहाँ से आया है, अगर आप 7700 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1100। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। इसको हल करेंगे। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में कोई हमको संख्या नहीं दिया है, बस दिया है किसी संख्या में हम उसका, लेकिन ये जरूर दिया है कि 14 सही 2/7% को घटाया जा रहा है। 14 सही 2/7% इसका वैल्यू होता है 1/7। हम अगर आपसे पूछते हैं कि 7 का 14 सही 2/7% कितना होता है, हरदम ऊपर वाली संख्या यानी कि 1 होगा। तो कह रहा है 14 सही 2/7% को घटाया जा रहा है। अगर हम संख्या को अगर 7 मान लें, अगर संख्या क्या रही होती, 7 रही होती, तो 7 का 14 सही 2/7% क्या होगा, 1। अगर 7 में से 1 घटाया जाए कितना बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 6 नहीं प्राप्त होता है, 4800 प्राप्त होता है। 4800 कितना का मल्टीपल पे, 800 के मल्टीपल पे। ये संख्या भी 800 के मल्टीपल पे क्या हो जाएगी, 8×7=5600। तो यही हमारा आंसर है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि 800 कहाँ से आया है, तो 4800 में अगर आप 6 का भाग देंगे तो 800 आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 4800 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें संख्या दिया है, संख्या क्या दिया है, 4800 दिया है, और उसमें क्या जोड़ने के लिए बोला है, 12 सही 1/2% जोड़ने के लिए बोला है। तो पुराने वाले विधि से ही करेंगे हम लोग। 12 सही 1/2% का वैल्यू होता है 1/8। हाँ, जैसा कि हम लोग मानते आ रहे हैं, नीचे वाले संख्या को हम मानेंगे। अगर संख्या 8 रही होती तो 8 का 12 सही 1/2% क्या होता है, ऊपर वाली संख्या होती है। क्या बोला है, जोड़ने के लिए। तो 8 में अगर 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 9। लेकिन क्वेश्चन बोला अगर संख्या 8 रही होती तो 8 का 12 सही 1/2% 1 जोड़ते तो 9 प्राप्त होता। लेकिन क्वेश्चन बोला संख्या 8 नहीं है, कितना है, 4800। 8 की वैल्यू क्या दिया है, 4800, कितना के मल्टीपल पे, 600 के मल्टीपल पे। तो ये संख्या जो संख्या में प्राप्त होगी ये भी 600 के मल्टीपल पे कितना हो जाएगी, 6×9=5400, यही आपका आंसर है। ठीक, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि 8100 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में संख्या दिया है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, और क्या घटाया जा रहा है, 11 सही 1/9% को घटाया जा रहा है। बस पुराने वाली विधि से ही करेंगे। 11 सही 1/9% का वैल्यू होता है 1/9, जैसा कि मानते आ रहे हैं नीचे वाले संख्या को हमेशा मानते हैं। अगर संख्या 9 रही होती तो 9 का 11 सही 1/9% क्या होगा, 1 होगा। अब देखना है कि जोड़ा गया है कि घटाया गया है। देखिए लिखा है घटा देते हैं, तो एक एक 9 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 8। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर संख्या 9 रही होती तो 9 का 11 सही 1/9% 1 होता है, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है संख्या 9 9 नहीं है, 8100 है। कितना का मल्टीपल पे, 8100 है। कितना का मल्टीपल पे, 900 के मल्टीपल पे। तो संख्या भी हो जाएगी 900 के मल्टीपल पे, क्या हो जाएगी, 9 8 72 100। तो हमें 7200 प्राप्त होगा, यही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले देखिए हमें इस क्वेश्चन में जो है संख्या नहीं मालूम है, लेकिन ये दिया है कि 37 से ही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। अगर कोई संख्या रही होगी तो उसमें अगर 550 अगर जोड़ दिया जाए तो वह जो संख्या हम मानेंगे वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन क्वेश्चन का अर्थ ए है, जैसे 37 से ही 1/2 का होता है परसेंटेज में वैल्यू 3/8। ठीक, अगर हम मान लें संख्या क्या रही, 8 रही होती, अगर संख्या 8 रही होती तो 8 का 37 सही 1/2% हमेशा ऊपर वाली संख्या यानी कि 3 होगा। तो 3 में क्या जोड़ा जाए कि वापस 8 प्राप्त हो जाए, तो 3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, अगर संख्या हम 8 मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 5 नहीं जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, 550 जोड़ा जाता है। कितना का मल्टीपल पे, 110 के मल्टीपल पे। अगर आपको ये नहीं पता 110 कहाँ से आया, तो 550 में अगर 5 से भाग देंगे तो 110 आ जाएगा। अगर ये संख्या 550 है तो 110 के मल्टीपल पे, ये संख्या भी 110 के मल्टीपल पे कितना हो जाएगी, 880, यही आपका आंसर है। तो वह संख्या 880 रही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। इसमें भी संख्या नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है 12 से ही 1/2% में क्या जोड़ा जा रहा है, 6300। 12 से ही 1/2% का वैल्यू होता है 1/8। अगर हम संख्या को 8 मान लें, अगर संख्या 8 रही होती तो 8 का 12 से ही 1/2% क्या होता है, ऊपर वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या यानी कि 1 में क्या जोड़ा जाए, 8 प्राप्त हो जाए, 7 जोड़ा जाए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 7 नहीं जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है, 6300 जोड़ा जा रहा है। कितना का मल्टीपल पे, 900 के मल्टीपल पे। तो संख्या भी 900 के मल्टीपल पे कितना हो जाएगी, 9 72 100, यही आपका आंसर है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर
करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन यही है दिया है, और लास्ट क्वेश्चन आज का है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक बेईमान दुकान दूध दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16/2/3% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें। यही आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कितना लाभ प्राप्त करता है, 16/2/3%। मान लीजिए कोई दुकानदार है, हाँ, जितने रुपए में वह वस्तु को खरीद कर लाया और उसी रुपए में बेच दिया, तो उसको लाभ होगा, लाभ नहीं होगा। लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है और 16/2/3% का लाभ कमाता है, यानी कि जब वह वस्तु में पानी मिलाया तो वह लाभ प्राप्त किया। कितना लाभ प्राप्त किया, 16/2/3%। इसका वैल्यू होता है 1/6। ठीक, अगर हम मान लें 6 लीटर अगर मिल्क रहा होता, तो 6/16/2/3% क्या हो रहा था, 1 क्या रहा था, वाटर। तो टोटल मिक्सचर तैयार कितना होगा, 6 × 1 = 7। तो क्या पूछा है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात, मिक्सचर से क्या क्या बोला है, मिल्क का अनुपात। तो मिक्सचर कितना है, 7, और मिल्क कितना है, 6। यही इसका आंसर है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।